हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक केमिस्ट्री क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 9 है एंड आज हमें पढ़ना है लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड फ्लक्शनलिटी इन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बोलूँगा, प्लीज़ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर अल्टरनेट डेज में वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ 9.1, हमें पढ़ना क्या है, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन लिगेंड का जो सब्स्टिट्यूट होता है उसको पढ़ना है, और फ्लक्शनलिटी इन ऑर्गेनोमेटालिक, जो फ्लक्शनलिटी चेंज होता है मतलब ईटा 1 से ईटा 3 हो जाए, ईटा 5 से मतलब ईटा 2 से ईटा 5 में हो जाए, तो उसको बोलते हैं फ्लक्शनलिटी चेंज, तो वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 9.1 है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ लिगेंड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, मेनी सिंथेटिक रिएक्शन रिक्वायर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन लिगेंड बाई अनदर। बहुत मतलब सिंथेटिक रिएक्शन जो हम लोग लैब में बनाते हैं ऐसा वैसा, तो वहाँ पे क्या होता है, हमें बहुत रिक्वायर होता है कि एक लिगेंड को सब्स्टिट्यूट करके दूसरा लिगेंड वहाँ पे अटैच कर दे। ठीक है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच कोऑर्डिनेट लिगेंड आर डिस्प्लेस्ड बाई अदर लिगेंड्स आर टर्म्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट लिगेंड्स डिस्प्लेस्ड हो जाएगा एक अदर लिंक से, उसको उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। सच अ रिएक्शन इज ऑफन द फर्स्ट स्टेप एंड सम टाइम द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन मेनी स्टोइकियोमेट्रिक एंड कैटालिटिक रिएक्शन। ठीक है, ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस। इन फैक्ट अ साइट ऑफ कोऑर्डिनेशन अनसैचुरेशन इज परहैप्स द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। मेनली यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब भी हमें लैब में मतलब जरूरत होता है बहुत सारे कि हम एक लिगेंड सब्स्टिट्यूट करके दूसरा लगा दें, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं, ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री इज वन इन विच एन एग्जिस्टिंग लिगेंड ऑन मेटल सेंटर इज रिमूव्ड एंड इट्स पोजिशन गेट्स ऑक्यूपाइड बाई अनदर लिगेंड। ठीक है, सिंपल सा है कि हमारा ऐसे यहाँ पे कुछ एम हो गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिगेंड है, ठीक है, हमने दूसरा लिगेंड लाया एल डैस, एल डैस आके यहाँ पे ये रिप्लेस होके यहाँ पे एल डैस आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, वही बोल रहा है। दिस ऑकर्स डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच दैट द ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है एंड इलेक्ट्रॉन काउंट ऑन द मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, किस पे इस पर डिपेंड करता है, पहला ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, सेकेंड है कि इलेक्ट्रॉन काउंट मेटल पे कितना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन काउंट, और थर्ड है द एग्जिस्टिंग लिगेंड ऑन द मेटल, मेटल पे कौन सा लिगेंड जुड़ा वो भी मैटर करता है, और फोर्थ है देयर स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे, और जो लिगेंड अटैच हो उस पर डिपेंड करता है, और स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑकर्स बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लिगेंड। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लिगेंड एडिशन एंड लिगेंड डिसोसिएशन, मतलब एक जहाँ डिसोसिएशन होगा, ये लिगेंड का क्या हो रहा है, हमारा डिसोसिएट हो रहा है, ये लिगेंड एडिशन हो रहा है, वही बोल रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ इसका एडिशन, लिगेंड एडिशन और लिगेंड सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे होता है, एक जहाँ लिगेंड एडिशन होगा, एक जहाँ लिगेंड डिसोसिएशन होगा। ठीक है, रिएक्शन एंड अ लार्ज रेंज एंड अ रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट फॉर सच रिएक्शन। एट वन एक्सट्रीम द डिपार्टिंग लिगेंड लीव्स एंड डिस्क्लाइन इंटरमीडिएट विथ लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर इज फॉर्म। ठीक है, एंड द मैकेनिज्म इज लेबल्ड एज डी, इसको बोलते हैं डी से, मतलब डिसोसिएट होना। एट द अदर एक्सट्रीम द इनकमिंग लिगेंड एड्स टू द कॉम्प्लेक्सेस, जो क्या होगा, इनकमिंग लिगेंड जो बाहर से आ रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, ऐड होगा एंड डिसनेबल इंटरमीडिएट विथ एन इंक्रीज्ड कोऑर्डिनेशन नंबर इज फॉर्म एंड द मैकेनिज्म इज लेबल्ड ए। ठीक है, पहले क्या डिसोसिएट हुआ तो वो एक अलग इंटरमीडिएट बना, जब हमारा एक लिगेंड आके ऐड हो गया तो उसको क्या, एक अलग इंटरमीडिएट बना, ठीक है, उसको ए से लेबल करेंगे फॉर एसोसिएशन, वहाँ पे हमारा लिगेंड का एसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। ठीक है, अ कंटिन्यूम ऑफ पॉसिबिलिटीज स्ट्रेचेज बिटवीन दिस टू एक्सट्रीम, फॉर एग्जाम्पल इंटरचेंज आई। अगर हमारा डी ना, हमारा ना डी है ना ए है, ठीक है, हमारा ना डी है ना ए है, तो बीच का क्या होगा, आई होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ना वो डिसोसिएट है ना एसोसिएट है, तो उसको उस इंटरमीडिएट को क्या बोलेंगे, आई से डिनोट करेंगे, उसको बोलते हैं इंटरचेंज। ठीक है, वही बोल रहा है कंटिन्यूम पॉसिबिलिटीज और स्ट्रेचेज बिटवीन दिस टू एक्सट्रीम, फॉर एग्जाम्पल इंटरचेंज आई इज यूज वेन द इनकमिंग लिगेंड इज प्रिज्यूम टू एसिस्ट इन द रिएक्शन बट नो डिटेक्टेबल इंटरमीडिएट अपियर्स वेन द डिग्री ऑफ असिस्टेंस बाय द इनकमिंग लिगेंड इज स्मॉल। ठीक है, क्या होता है, वेन डिग्री ऑफ असिस्टेंस बाय द इनकमिंग लिगेंड इज स्मॉल एंड द रिएक्शन इज प्राइमली डिसोसिएशन, इट इज कॉल्ड डिसोसिएटिव इंटरचेंज आई डी।
व्हेन द इनकमिंग लिगेंड बिगिन्स टू फॉर्म अ बॉन्ड, मतलब आप बॉन्ड बना लिया है विद द सेंट्रल मेटल बिफोर द डिपार्टिंग, मतलब अपना जो इनकमिंग लिगेंड है वो आके बॉन्ड बना लिया मेटल के साथ, ठीक है, और जो हमारा पहले से लिगेंड है वो अभी डिसोसिएट नहीं हुआ, तो क्या हुआ इसको बोलेंगे आई एस, रिनोट करेंगे, वही बोल रहा है कि व्हेन द इनकमिंग लिगेंड बिगिन्स टू फॉर्म अ बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल बिफोर द डिपार्टिंग लिगेंड बॉन्ड इज वीकेंड एप्रिसिएबली, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे इंटर एसोसिएटिव इंटरचेंज आई ए। ये तो हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है, तो इसको रिवाइज हो जाता है हमारा। वेदर वेदर और नॉट एन ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स इज कोऑर्डिनेटली सैचुरेटेड, इट इज इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द मैकेनिज्म बाय विच इट अंडरगो लिगेंड सब्सटीट्यूशन। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ लिगेंड सब्सटीट्यूशन विच में ऑकर बाय आइदर बाय एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव रूट, ठीक है, लेकिन सब दो ही रूट से हो गया, तो आइदर डिसोसिएट या इधर एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव, डिपेंड्स इन लार्ज पार्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्स, डिपेंड किस पे करता है मेटल का इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक है, अंडरगोइंग द लिगेंड सब्सटीट्यूशन, ठीक, इन 18 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेटली सैचुरेटेड कंपाउंड, 18 इलेक्ट्रॉन अपना है कोऑर्डिनेट सैचुरेटेड कंपाउंड है, सब्सटीट्यूशन ऑफन ऑकर्स थ्रू अ डिसोसिएटिव पाथवे, मतलब अपना 18 इलेक्ट्रॉन है सैचुरेटेड, मतलब क्या कोई ऐसा मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है, 18 अपना स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल को ही सैचुरेट बोलते हैं वहाँ पे, तो 18 इलेक्ट्रॉन है तो उस पर क्या होगा मेनली जो होता है ना डिसोसिएटिव पाथ से होगा, मतलब पहले लिगेंड डिसोसिएट होगा तब जाके कोई इनकमिंग लिगेंड अटैच होगा, वही वाइल इन कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड, वहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन हो 17 इलेक्ट्रॉन हो ऐसे कुछ जो अनसैचुरेटेड होते हैं, इट ऑफन ऑकर्स 1 मिनट, इट ऑफन ऑकर्स एसोसिएटिव पाथवे, वो क्या करेंगे जहां पे हमारा 16 इलेक्ट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉन मेटल का रहा तो कौन सा पाथ लेंगे एसोसिएटिव पाथ लेंगे, एंड समटाइम्स बाय डिसोसिएटिव पाथवे, और कुछ टाइम डिसोसिएटिव पाथ लेंगे, मोस्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व टू इलेक्ट्रॉन पाथवे, रेडिकल पाथवे इन्वॉल्विंग ऑड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो नोन बट आर लेस कॉमन। नाउ नाउ 9.1.1 एक्टिवेशन एंट्रोपी एंड एक्टिवेशन वॉल्यूम, ये क्या होता है, काइनेटिक स्टडीज कैन ऑफन प्रोवाइड इंडिकेशन, क्या इंडिकेट कर रहा है रिगार्डिंग द नेचर ऑफ रिएक्शन दैट इज एसोसिएटिव डिसोसिएटिव और इंटरचेंज, ठीक है, हमने अभी तीनों पढ़ा, रिएक्शन काइनेटिक स्टडीज इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन हैविंग अ लार्ज निगेटिव इंट्रोपी, एक्टिवेशन इंट्रोपी मतलब डेल्टा एस हमारा बहुत ही हाई निगेटिव है और निगेटिव एक्टिवेशन वॉल्यूम डेल्टा नहीं हो हमारा ये भी निगेटिव है, आर इंडिकेटिव ऑफ एन एसोसिएटिव मैकेनिज्म, जब हमारा डेल्टा एस और डेल्टा वी दोनों निगेटिव होंगे तो हमारा क्या मैकेनिज्म डिपेंड करता है, वो हमारा जाएगा एसोसिएटिव मैकेनिज्म से हो जाएगा, ठीक है, वही बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वाइल रिएक्शन हैविंग लार्ज पॉजिटिव, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है डेल्टा बी पॉजिटिव इंडिकेट्स अ डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, ये एमसीक्यू में आ सकता है। फॉर इंटरचेंज मैकेनिज्म डेल्टा एस एंड डेल्टा बी शुड बी वेरी स्मॉल एंड क्लोज टू जीरो, जब डेल्टा एस डेल्टा बी हमारा जीरो होगा तो हमारा जीरो, मतलब क्या है समरी बताना चाहे तो यहाँ पे बताया कि डेल्टा एस और डेल्टा वी हमारा निगेटिव रहेगा तो ए जाएगा एसोसिएटिव, डेल्टा एस और डेल्टा वी हमारा पॉजिटिव रहेगा तो जाएगा डिसोसिएटिव, और डेल्टा एस और डेल्टा वी सिमिलर टू जीरो रहेगा तो हमारा जाएगा इंटरचेंज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नेगेटिव रहेगा तो एसोसिएटिव, पॉजिटिव रहेगा तो डिसोसिएटिव, ठीक है, ये एमसीक्यू में आ सकता है एग्जाम नेट सेट में। इफ द रिएक्शन रेट इज डिपेंडेंट ऑन द इनकमिंग लिगेंड, ठीक है, इफ द रिएक्शन जो होता है इज डिपेंड ऑन द इनकमिंग लिगेंड इट इंडिकेट्स एसोसिएटिव मैकेनिज्म, अगर रिएक्शन हमारा लिगेंड मतलब इनकमिंग लिगेंड पे डिपेंड कर रहा है तो एसोसिएटिव मैकेनिज्म, व्हाइल नो सच डिपेंडेंस एग्जिस्ट फॉर डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, ये हमें एज अ हिंट दे रहा है कि कब एसोसिएटिव कब डिसोसिएटिव होगा, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टडी जो हुआ है, ठीक है। फिगर 9.1 क्लियरली डिपिक्ट ऑल थ्री टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है, 9.1 में हम ही देखेंगे सब एसोसिएटिव डिसोसिएटिव एंड इंटरचेंज, एंड आयरिंग प्लॉट इज यूजली मेड आफ्टर कैरिंग आउट काइनेटिक स्टडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड फ्रॉम द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लॉट द एक्टिवेशन एंट्रोपिक कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, आपको अभी पता चलेगा डेल्टा एस कैसे फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे आयरिंग प्लॉट से, आयरिंग प्लॉट अभी देखेंगे हम लोग, उसमें क्या होगा काइनेटिक स्टडीज का जो भी है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर उससे हम लोग देखेंगे उसका इंटरसेप्ट जो होगा इंटरसेप्ट से हम लोग डेल्टा एस की डेल्टा एस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नॉलेज ऑफ द एक्टिवेशन वॉल्यूम डेल्टा वी, डेल्टा वॉल्यूम कैसे निकलेगा द डिफरेंस बिटवीन द पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, डिफरेंस किसका है पार्शियल मोलर वैल्यू ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट एंड द सम ऑफ द पार्शियल मोलर वैल्यू ऑफ द रिएक्टेंट एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अल्लाह हमारा ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट का जो भी पार्शियल डिफरेंस रहेगा
वही यहाँ पे बोलना है, ठीक है। मतलब पहले ट्रांजिशन स्टेट का डिफरेंस लेंगे और सम करेंगे पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर। उसको हम लोग उससे क्या फाइंड आउट करें, डेल्टा वी इज इम्पॉर्टेंट रिएक्शन कैरिड आउट अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। दोज रिएक्शन हैविंग अ लार्ज नेगेटिव डेल्टा वी आर एसोलेटेड बाय हाई प्रेशर, ठीक है। अभी मैं पूछूंगा डेल्टा डेल्टा भी नेगेटिव होगा तो क्या होगा, अब बोलोगे एसोसिएटिव मैकेनिज्म, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ऊपर, एज द वॉल्यूम ऑफ द इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट विल बी स्मॉलर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा वी स्टार इज ऑप्टेन फ्रॉम अ प्लॉट ऑफ, कैसे ऑप्टेन करेंगे इसको, एल एन के वर्सेज एल एन पी का हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, वैसे ही मिल जाएगा। तो चलिए और आगे देखते हैं इसको। ये देखो ये से हमारा ये रिएक्शन है, ठीक है, एम एल एन एक्स है, ये वाई है, ये इनकमिंग इनकमिंग लिगेंड है, ये हमारा पहले से एग्जिस्ट करता है एक्स, ठीक है। अब क्या करेगा यहाँ पे ये रिएक्शन हुआ, तो डिसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, डिसोसिएटिव नाम से पता चल, पहले ये लिगेंड में जो एक्स है ना ये पहले ब्रेक हो जाएगा, तो ये पहले बाहर निकल जाएगा, फिर उसके बाद जो हमारा क्या होता है एम एल एन, अब जाके वाई अटैच हुआ। पहले यहाँ पे मतलब डिसोसिएटिव वर्ड यहाँ से आप देखो, डिसोसिएटिव वर्ड आपको यहाँ से पकड़ना पड़ेगा, जो तो आपका लिगेंड वो ब्रेक होके यहाँ पे ये बनेगा, फिर वाई आपका अटैच रहेगा, ठीक है। एसोसिएटिव मतलब क्या, आपका पहले से लिगेंड एग्जिस्ट है, आपने वाई को ऐड कर दिया तो वाई भी यहाँ पे अटैच होगा, उसके बाद फिर एक्स आपका निकल जाएगा, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव, ठीक है। डेल्टा एस नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए। अब ना मतलब इंटरचेंज क्या होता है, इंटरचेंज में दोनों होगा, डिसोसिएटिव इंटरचेंज, वाई एग्जिस्ट एट द लिविंग लिगेंड एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एम एल एन एक्स है, ठीक है, हमारा क्या वाई वाई यहाँ पे एम एल एन बना, ठीक है, प्लस बना, हमारा एक्स भी जुड़ा है वाई भी बना है, मतलब ना एक्स जुटा टूटा है ना वाई टूटा है, मतलब वाई भी आ गया वहाँ पे एक्स भी वहाँ पे, ठीक है। फिर हमारा क्या बन रहा है, एक्स निकल के ये हो जाएगा, तो एसोसिएटिव इंटरचेंज। तो ये हो गया डेल्टा एस सिमिलर टू जीरो, समरी ऑफ लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखो आयरिंग प्लॉट वाला जो था बता रहे थे, एल एन के अपॉन टी वर्सेज वन बाई टी का ग्राफ बनाएंगे, तो जो इंटरसेप्ट आता है, इंटरसेप्ट यहाँ पे ये बोलते हैं इंटरसेप्ट, जैसे क्या फॉर्मूला इसका, एल एन के बाई टी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी प्लस, ये हमारा हो गया एल एन के डैश अपॉन एच प्लस डेल्टा एस अपॉन, ये हमारा जो होता है ये इंटरसेप्ट होता है, और ये वन बाई टी, तो हमारा जो स्लोप आएगा माइनस डेल्टा एच अपॉन आर, ये हमारा स्लोप आएगा, ठीक है। वह यहाँ पे बोल रहा है के रेट कॉन्स्टेंट है, आर मोलर गैस कॉन्स्टेंट है, बोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट, के डैश बोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट है, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब हो गया, ठीक है। तो हमारा जो इंटरसेप्ट आता है एल एन के डैश अपॉन क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये एच है हमारा एच, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, एल एन के डैश हमारा क्या है, बोल्ट्समैन कांस्टेंट, बोल्ट्समैन कांस्टेंट अपॉन एच प्लस डेल्टा एस अपॉन आर, एल एन है यहाँ पे, ठीक है, एल एन किसका है, सिर्फ इसका है, तो यही से हमें मिलता है क्या, डेल्टा एस मिलता है, ठीक है, डेल्टा एस यहीं से मिलता है। इसको बोलते हैं एरिंग प्लॉट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एंट्रोपी, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस अंडरगो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मच फास्टर देन 18 इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है, जो 17 होगा भाई साहब उसको तो 18 चाहिए ना, कैसे करके, तो फटाक से सब्स्टिट्यूट करेगा, कोई लिगेंड ऐड करेगा क्या होगा, तो फटाक से होगा, उसके पास 18 है वो तो स्टेबल है, उसको तो मतलब नहीं चाहिएगा कि हाँ भाई कुछ इधर उधर हो जाए, ठीक है। तो 18 थोड़ा कम होता है, 17 वाला सबसे मतलब ज़्यादा होता है, 10^3 या 10^7 टाइम्स हाइयर होता है एज कम्पेयर टू 18 इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल बी सी ओ सिक्स हमारा 17 इलेक्ट्रॉन है, अंडरगो सब्स्टिट्यूशन बाई पी पी एस थ्री एट -70 डिग्री 90 मिनट, ठीक है, 90 मिनट्स में सब्स्टिट्यूट होता है, वाई बी सी ओ सिक्स 18 होता है, 18 इलेक्ट्रॉन होता है, डज नॉट रिएक्ट इवन विथ मोल्टेन पी पी एस थ्री, देखो पी पी एस थ्री से कितना हो रहा है -70 डिग्री सेल्सियस भी हो जा रहा है, क्योंकि ये 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 18 इलेक्ट्रॉन होने से देखो मोल्टेन में, मोल्टेन मतलब कि उसको हीट करके मतलब मेल्ट करके ऐसा वैसा, तो उसमें भी नहीं हो पा रहा रिएक्शन। द सब्स्टिट्यूशन इन बी सी ओ सिक्स इज 10^17 टाइम्स एज इज फास्टर देन सी आर सी ओ सिक्स, वाइल द 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स इज अंडर गो सब्स्टिट्यूशन बाई एन एसोसिएटिव मैकेनिज्म, ठीक है, पहले 17 है तो उसमें ऐड होगा तो 18 होगा तभी तो होगा, ठीक है। द प्रिफर्ड पाथवे फॉर सी आर सी ओ सिक्स एट हाई टेम्परेचर इन डिसोसिएटिव इन नेचर, ठीक है, एज ए 17 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस लिगेंड अंडर गोज लिगेंड सब्स्टिट्यूशन एट अ हायर रेट देन 18 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, द लेटर कैन बी ऑक्सीडाइज टू जनरेट अ सब्स्टिट्यूशनली लबाइल 17 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, ठीक है, ये हो गया हमारा। नाउ 9.1 फैक्टर्स अफेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन, फर्स्ट क्या है स्टेरिक फैक्टर, द डिसोसिएट स्टेरिक मतलब जो बल्किनेस होता है, ठीक है, द डिसोसिएटिव मैकेनिज्म दैट इज ऑब्जर्व इन 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस में ऑपरेट इन 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस एज वेल, ठीक है, व्हेन दिस कॉम्प्लेक्सेस आइदर हैव स्टेरिकली बल्की लिगेंड दैट ब्लॉक एंड ओपन कोऑर्डिनेट साइट, ठीक है, जब हमारे कॉम्प्लेक्सेस में बल्की लिगेंड हो गए, और व्हेन दे बिलोंग टू द थर्ड रो स्क्वायर प्लेनर डी8 कॉम्प्लेक्सेस लाइक पी टी2, ठीक है,
वेर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर लिमिट्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ एन एडिशनल लिगेंड टू द एम्प्टी एक्सियल साइट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द लार्ज पी, ये देखो CY3 लिगेंड स्टेरिकली ब्लॉक एक्सेस द एम्प्टी पीजेड ऑर्बिटल इन द निकल कॉम्प्लेक्सेस स्ट्रॉन्स NiCl टू PCY3 ट्वाइस. ठीक है, मतलब बल्कि लिगेंड्स की वजह से. इन द पीटी कॉम्प्लेक्सेस ट्रांस PTCl टू PPS3 ट्वाइस द कोऑर्डिनेशन ऑफ द इनकमिंग लिगेंड वाया द एम्प्टी पीजेड ऑर्बिटल इज पार्शली ब्लॉक, मतलब आधा ब्लॉक हो जाता है बाय द फिल्ड DZ स्क्वायर ऑर्बिटल ऑफ द प्लेटिनम. दिस लिमिट लिगेंड एसोसिएशन ऑल्दो इट कैन लॉजिकली ऑकर. ठीक है, हेंस द सब्स्टिट्यूशन ऑकर वाया 3 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट स्कीम. बल्कि लिगेंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस लेता है अराउंड द मेटल सेंटर एंड कैन ब्लॉक इनकमिंग लिगेंड्स, और ब्लॉक कर देता है जो बाहर से लिगेंड आ रहा है दैट आर ट्राइंग टू एक्सेस वैकेंट कोऑर्डिनेशन साइट्स ऑन द मेटल. जो मतलब वैकेंट साइड मेटल जो वैकेंट वहाँ पे जो इनकमिंग लिगेंड कहाँ पे आता है, वैकेंट साइड पे आता है ना, तो उसको ब्लॉक कर देता है. ठीक है, बल्कि लिगेंड दे ऑफन डिसोसिएट टू रिलीव द स्टेरिक स्ट्रेन. ठीक है, कंसिडर फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन वेयर द डिसोसिएशन ऑफ ए बल्कि फॉस्फाइट्स हैज बीन फाउंड टू बी मोर फसाइल. ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ PPS3 फ्रॉम मेनी कॉम्प्लेक्सेस सच एज NiPPS3 ट्वाइस PDPS3 ट्वाइस, ये सब जो बल्कि लिगेंड है इज वेल डॉक्यूमेंटेड इन द कैटेलिटिक साइकिल इन्वॉल्विंग दिस कैटलिसिस रिप्लेसिंग PPS3 बाई PET थ्राइस. ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये हमारा जो PPS3 अब हमको क्या करेंगे, लिगेंड से सब्सटीट्यूट करेंगे. लिगेंड सब्सटीट्यूट मतलब एक सी एल हट गया हमारा. देखो यहाँ पे क्या हुआ, PPS3 जो बल्कि लिगेंड है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले CL को हटाएंगे तो हमारा ये वैकेंट साइड रहा, इसके बाद हम लोग BR को ऐड करेंगे. ठीक है, ऐसा अगर आप सोच रहे हो कि हम लोग डायरेक्ट BR को डाल दें और यहाँ पे CL रिप्लेस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे PPS3 बल्कि लिगेंड है, ठीक है, ऑक्यूपाई कर, तो इसके लिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. ठीक है, हमें इस प्रोसेस जान पहले CL को डिसोसिएट करना पड़ेगा, उसके बाद तो ये डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को प्रेफर करता है. ठीक है, ऐसे हमारा NiPR3 का ये मतलब रिएक्शन है. ठीक है, कोन एंगल के बारे में बताया, कोन एंगल कितना होगा. ठीक है, इन विल्किंसन कैटलिस्ट रिजल्ट इन द इनएक्टिव कैटलिसिस. इन विल्किंसन कैटलिस्ट रिजल्ट इन एन इनएक्टिव कैटलिस्ट द लिगेंड डिसोसिएटिव डिसोसिएशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट ड्यू टू स्ट्रॉन्गर RHPET3. ठीक है, मेटल और PET3 का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर होता है. ठीक है, अब ट्रांस इफेक्ट पढ़ेंगे, पहले हम लोग स्टेरिक फैक्टर पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ट्रांस इफेक्ट क्या होता है. इन 1926 द रशियन केमिस्ट II Chernev डिस्कवर दैट सर्टेन लिगेंड्स फैसिलिट द सब्सटीट्यूशन ऑफ अ सेकेंड लिगेंड ट्रांस टू द फर्स्ट बाय ए एक्सटर्नल लिगेंड. ठीक है, मतलब कोई भी अगर हमारा कोई भी ग्रुप है, मतलब इसके ट्रांस में ये हम एग्जाम्पल मानते हैं, इसके ट्रांस में तो ये इसको फैसिलेट करेगा, ये अगर हाई रहेगा तो इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा रहेगा, तो ये क्या करेगा, ये अपने ट्रांस वाले को ना हेल्प करेगा, भाई तू जा मेरे सामने से, तो ऐसा हो जाता है. ठीक है, ये यहाँ पे ट्रांस इफेक्ट ये कहलाता है. ठीक है, तो वही बोल रहा है कि डिस्कवर्ड सर्टेन लिगेंड फैसिलेट द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ सेकेंड लिगेंड ट्रांस टू द फर्स्ट बाय एन एक्सटर्नल लिगेंड. लिगेंड्स दैट आर मोर इफेक्टिव एट दिस लेवलाइजेशन आर सेड टू हैव अ हायर ट्रांस इफेक्ट. ठीक है, द इफेक्ट इज मोर मार्क्ड इन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्लेटिनम टू कॉम्प्लेक्सेस एंड द हाइएस्ट ट्रांस इफेक्ट लिगेंड आइदर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड एज इन H-Me आर SnCl3 आर स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड CO. द ट्रांस इफेक्ट कंसर्न द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ वन लिगेंड ऑन द अदर व्हेन दे आर लोकेटेड ट्रांस टू ईच अदर. ठीक है, इफ इट इन्वॉल्व्स टू सिग्मा डोनेटिंग लिगेंड्स, तो क्या करता है वो सिग्मा डोनेटिंग लिगेंड है, द स्ट्रॉन्गर लिगेंड प्रिफरेंसली वीकेंस द बॉन्ड्स ऑफ द वीकर सिग्मा डोनर लिगेंड ट्रांस टू. ठीक है, अगर वो कोई भी लिगेंड है उसका स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनेटिंग है, ठीक है, तो क्या करेगा, अपने ट्रांस वाले को जो वीक रहेगा उसको रिप्लेस करेगा, मतलब हटा देगा, हेल्प करेगा हटाने के लिए. ठीक है, दस मेकिंग इट इजियर टू डिसोसिएट, और इससे क्या होगा, हमारा जो डिसोसिएशन वो इजियर हो जाएगा एंड टू ब्रिंग अबाउट अ लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमारा लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे, ठीक है, हमारा जैसे CL हो गया, PP3 हो गया, तो CL का क्या होगा ट्रांस, मतलब यहाँ पे क्या लिगेंड है कोई. ठीक है, एक मिनट, मैं यहाँ पे जैसे हमारा कोई लिगेंड है, ठीक है, लिगेंड हमारा जैसे हाई ट्रांस इफेक्ट है. ठीक है, अब क्या करेगा, इसको CL को रिप्लेस करेगा, CL को रिप्लेस किया तो ये बना, अब देखो लिगेंड ने अपना ट्रांस इफेक्ट वाला पीरीडी आके वहाँ पे अटैच हो जाएगा. ठीक है, यही हमारा ट्रांस इफेक्ट होता है. जैसे यहाँ पे देखो CL है, पहले आपने NH3 डाल दिया. ठीक है, यहाँ पे पहले आपने क्या किया, एक NH3 ला के रख दिया,
कहीं से भी कहीं का भी जाएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। सीएल एसीएल एसीएल कोई सा भी एनएसपी यहीं पे, यहाँ पे पोजीशन ऑक्यूपाई कर ले, ठीक है। अब आपको पता है कि सीएल का मतलब, आपको पता, आपको देखना चाहिए सीएल का ज्यादा होता है ट्रांस इफेक्ट, एनएसटी का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है। तो आप कॉमन सेंस मतलब देखोगे तो सीएल का क्या होता है, एक मिनट, यहाँ पे एनएसटी हो गया, यहाँ पे सीएल हो गया, तो आपका क्या हुआ, सीएल का ज्यादा ट्रांसफर, तो सीएल अपना एक सीएल को रिप्लेस करके वहाँ पे एनएसटी लगवा देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सिस्प्लेटिन टाइप का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन में होता है, एंटी कैंसर ड्रग होता है सिस्प्लेटिन, ट्रांसप्लेटिंग होता है वही। अब देखो यहाँ पे क्या है, एनएसटी एनएसटी सीएल आपने ऐड किया, सीएल कहीं भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है सीएल का ट्रांसफर ज्यादा होता है, सीएल अपना क्या करेगा, सीएल अपने बाजू वाले इसको हटा के यहाँ पे सीएल ऐड करा देगा, वही है ट्रांसफर। मतलब आपको याद होना चाहिए सीएल का ज्यादा होता है ट्रांसफेक्ट एज कम्पेयर टू एनएसटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, द वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांस इफेक्ट इन द सिंथेसिस ऑफ एंटी कैंसर ड्रग इज सिस्प्लेटिन। मैंने आपको बोला एंटी कैंसर ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग में क्या होता है, सिस्प्लेटिन यूज होता है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द PTCL4, कैसे, अभी देखो एग्जाम में आपको बहुत बार पूछा है कि सिस्प्लेटिन कैसे बनाते हैं। सिस्प्लेटिन बनाने के आपको PTCL4 लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सी सी याद कर लो, PTCC, और ठीक है जब आपको ट्रांसफर बनाना है तो एन 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 लेना है, ठीक है। जैसे आपको सिस बनाना है तो सब सी लेना पड़ेगा, मतलब PTCL, तो एस सी से याद कर लो, एक ट्रिक है थोड़ा सा, ठीक है। फ्रॉम PTCL4 द फर्स्ट एनएसटी लिगेंड इज एडेड, वही बता रहे कि एनएसटी पहले आपका एक अटैच हो जाएगा, उसके बाद ऑफ द फोर इक्विवेलेंट पोजीशन एंड बट द सेकंड एनएसटी इज एडेड टू ओनली सिस टू द फर्स्ट वन, दिस हैपेंस बिकॉज सीएल माइनस का जो ट्रांस इफेक्ट होता है लार्जर होता है एज कम्पेयर टू द एनएसटी, ठीक है। इफ ऑन द अदर हैंड द वन स्टार्ट फ्रॉम पीटी एनएसटी ट्रांसप्लेटिंग सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज फॉर्म, अगर आपने पीटी एनएसटी से चालू किया तो आपका ये बनेगा, ओके। नाउ ट्रांस इफेक्ट ऑफ पाई रिसेप्टर लिगेंड, द बॉन्ड बिटवीन पाई रिसेप्टर लिगेंड, पाई द बॉन्ड बिटवीन पाई रिसेप्टर लिगेंड एंड अ मेटल हैविंग टू और मोर डी इलेक्ट्रॉन इज वीकेंड व्हेन देयर इज अनदर पाई रिसेप्टर और लिगेंड ट्रांस टू इट, ठीक है। इन मेटल कार्बोनेट द कंपटीशन बिटवीन टू ट्रांस पाई रिसेप्टर लिगेंड फॉर द सेम डी इलेक्ट्रॉन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग एंड देयरफॉर वीकेंस द एमसीओ बॉन्ड, कन्वर्सली द एमसीओ बॉन्ड इज स्ट्रेंथेड व्हेन द सीओ इज ट्रांस टू अ गुड सिग्मा डोनेटिंग लिगेंड एंड दैट कैन नॉट पाई बैक बॉन्ड सच एज इन अमाइन। सिमिलरली द एम सी ओ बॉन्ड इज स्ट्रेंथ वेन सी ओ इज ट्रांस टू एनी ऑफ पाई डोनर लिगेंड, ठीक है। मतलब एम सी ओ बॉन्ड का भी स्ट्रॉन्ग हुआ जब सी ओ हमारा होगा ट्रांस उसके एनी पाई मतलब स्ट्रेंथ वेन सी ओ इज ट्रांस टू एनी पाई डोनर लिगेंड एज वन सी ओ इज रिप्लेस्ड विथ अ गुड सिग्मा डोनर PME3 द नेक्स्ट सी ओ सब्स्टिट्यूशन बिकम्स प्रोग्रेसिवली मोर डिफिकल्ट रिक्वायरिंग हाइयर टेम्परेचर एंड लॉन्गर टाइम्स। वंस सी आर सी ओ थ्री पी एम ई थ्री इज फॉर्म इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रिप्लेस अनदर कार्बन लिगेंड बिकॉज द सी आर सी ओ बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इनॉर्मसली, ठीक है। आपका ये पे सी आर सी ओ सिक्स से पूरा पी एम ई थ्री अलग कहीं पर भी आप अटैच कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका सी ओ का जो लिगेंड होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो उसके ट्रांस वाले से निकल के यहाँ पे पी एम ई थ्री आ जाएगा, ठीक है। फिर पी एम ई थ्री आपको ना है एक सी ओ और कहाँ पे, यहाँ पे सी ओ या तो ये सी ओ ले लो कोई सा भी ले लो वहाँ पर इसको हटा दो, ठीक है। आपका ये पी एम ई थ्री बन जाएगा, मतलब सी ओ से सी ओ का ज़्यादा होता है ट्रांस इफेक्ट एज कम्पेयर टू पी एज कम्पेयर टू पी एम ई, ठीक है। आपको ये समझा होगा। नाउ 9.1 एसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन, इन एसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, एसोसिएटिव हो रहा है, एसोसिएट मतलब ऐड होगा फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूट होगा। इन एसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द इनकमिंग लिगेंड फर्स्ट ऐड टू द मेटल, पहले अपना इनकमिंग लिगेंड ऐड होगा वहाँ पे मेटल कॉम्प्लेक्स से एंड फिर उसके बाद डिसोसिएट होगा एंड देन द डिसोसिएशन ऑफ वन ऑफ द ओरिजिन लिगेंड ऑकर, ठीक है। फिर डिसोसिएट होगा, कौन सा डिसोसिएट होगा, जो पहले से वहाँ पे बैठा था लिगेंड, ठीक है। एंड अनसैचुरेटेड 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स इज टिपिकली रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रपोज सच एन एसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है। वही बोला कि बहुत ज्यादा मतलब 17 ये सब होते हैं एसोसिएटिव मैकेनिज्म को प्रीफर करते हैं। तो द एक्सियल डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल कैन पार्शियली ब्लॉक द कोऑर्डिनेशन ऑफ अ लिगेंड यूजिंग द इम्प टीपीजेड ऑर्बिटल इन द थर्ड रो मेटल, दिस डज नॉट ऑकर इन रोहिडियम आर PD2 एंड लिगेंड एसोसिएशन इन कॉमन इन दिस कॉम्प्लेक्सेस। रोहिडियम और पैलेडियम में क्या होता है, एसोसिएशन कॉमन होता है, ठीक है। स्कीम 9.3 एसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन, अब क्या वाला रिएक्शन, रिएक्शन ऑन स्क्वायर प्लेनर रोडियम कॉम्प्लेक्स, टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल इन दिस रिएक्शन एज एच सी एल माइनस इज बिंग रिलेटिव वीक लिगेंड टू गेट सब्सटीट्यूट बाई पी एम ई थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी एल वाला क्या करेगा, ये देखो पी एम ई ये है पी एम ई पी एस टू है सी ओ है सी एल है, ठीक है। तो क्या करेगा यहाँ पे पी एम ई थ्री यहाँ पे एक आके ऐड हो जाएगा, उसके बाद माइनस पी पी एम एस थ्री ये निकल जाएगा, ठीक है। आपका ये बन जाएगा, तो एसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन पहले एसोसिएट करेगा, ये देखो आपका लिगेंड पहले एसोसिएट किया फिर जो पहले से एग्जिस्ट था, अब इसमें से ही कोई निकलेगा, ठीक है। इसमें से कोई निकलेगा तो कौन सा निकला, पी एम ई सी वाला निकल गया,
वहाँ पे हमारा ये वैकेंट हो गया। इसके बाद क्या हुआ ये देखो, एसोसिएटिव में गए, एसोसिएटिव रिएक्शन ऑन रेडियम कॉम्प्लेक्सेस। नाउ स्टीरियोकेमिस्ट्री एट द मेटल सेंटर इज ऑफन रिटेन्ड, स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटेन होता है। अ सिंपल एसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन फॉलो द सेकेंड ऑर्डर रेट लॉ, सेकेंड ऑर्डर रेट लॉ को फॉलो करता है एंड नेगेटिव एंट्रोपी ऑफ एक्टिव साइड, तो हमने पढ़ा कि नेगेटिव एंट्रोपी को फेवर करता है, ठीक है, अराउंड -10 to -20 EU। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑल्सो कम्स अंडर द एसोसिएटिव मैकेनिज्म, ठीक है। ऑक्सीडेटिव जो एडिशन होते हैं कहाँ से आते हैं, एसोसिएटिव मैकेनिज्म एज इंडिकेटेड बाई नेगेटिव एक्टिवेशन ऑफ एंट्रोपी। फॉर एग्जाम्पल द डेल्टा एस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ H2 to viscous complex has been determined as -21। देखो एंट्रोपी मेरा क्या नेगेटिव है, ठीक है, 1 EU बराबर 1 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ठीक है, और 4.184 जूल पर केल्विन पर मोल। एसोसिएटिव इज अ सेल्डम ऑब्जर्व फॉर 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस, हाउएवर इट इफ अ पॉलीहेप्टोलिगेंड दैट कैन अडॉप्ट अ लोअर हेप्टिसिटी इज प्रेजेंट इट ऑकर्स। द एंडेनाइन इफेक्ट, द फ्लोरानिल इफेक्ट एंड द हेप्टिसिटी लोअरिंग एसोसिएटिव विद ईटा 5 पेंटाडाइनल एज वेल ईटा 3 एलाइल कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस बिलो क्लियरली इंडिकेट द वे इन विच 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस अंडरगो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन बाय एन एसोसिएटिव मैकेनिज्म, ठीक है। नाउ 9.2.1 हेप्टिसिटी चेंजेस इन मल्टीडेंटेड लिगेंड, हेप्टिसिटी चेंज होगा इन मल्टीडेंटेड लिगेंड। अ फैक्टर व्हिच ऑफन इन्फ्लुएंसेस एसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस इज द हेप्टिसिटी चेंज इन मल्टीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। मल्टीडेंटेड मतलब क्या होगा, पहले आपका ईटा 1 था, आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगाया, एच न्यू डाला, आपका ईटा 3 में कन्वर्ट हो सकता है, ईटा 3 से ईटा 5 में कन्वर्ट हो सकता है, उसको बोलते हैं फ्लक्शनलिटी चेंज, ठीक है। वही मल्टीडेंटल लिगेंड्स दोज विच डोनेट टू मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उनको बोलते हैं मल्टीडेंटल लिगेंड। ऑक्यूपाई मोर देन 1 कोऑर्डिनेशन साइट ऑन मेटल, जैसे अपना क्या मेटल रहेगा, ये अलाइल कॉम्प्लेक्स वाला ऐसा, तो मेटल आपका ऐसे जोड़ा है, ठीक है, वही बोल रहे हैं। कैन ऑफन चेंज देयर कोऑर्डिनेशन नंबर टू डोनोट फीवर इलेक्ट्रॉन्स रेदर देन देयर फुल कैपेसिटी, ठीक है, दस ओपनिंग अप अ कोऑर्डिनेशन साइट दैट कैन अलाउ एसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन, जस्ट ये हो गया। द सीपी लिगेंड कैन डू, जो अपना सीपी लिगेंड हम लोग पढ़े थे, सीपी लिगेंड कैन डू दिस बाय शिफ्टिंग इट्स हेप्टिसिटी फ्रॉम ईटा 4 ईटा 5 टू ईटा 3 और इवन ईटा 1, ठीक है, बट दिस शिफ्टिंग इन ऑकर्स एज मॉडरेटली हाई कॉस्ट इन एनर्जी ड्यू टू द लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। जब आपका ईटा 5 से ईटा 3 या ईटा 1 में जाएगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा और एरोमेटिसिटी लॉस होगा कहाँ पे, सीपी लिंग में, ठीक है। सच हेप्टिसिटी चेंजेस आर नॉट कॉमन फॉर सीपी, इसलिए ये ऐसा नहीं होता, ईटा 5 से हमारा जनरली ईटा 3 या ईटा 1 में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। नाउ अभी हम लोग करेंगे इंडेनाइल एंड फ्लोरिनाइल इफेक्ट, ये क्या होता है, द इंडेनाइल लिगेंड्स फैमिली हाउएवर ड्रामेटिकली एनहांसेस द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या करेगा, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बढ़ा देगा ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू स्विच द एरोमेटिसिटी बिटवीन द सीपी एंड द एरिन रिंग वाया द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या करता है ये, क्या करता है, स्विच करता है एरोमेटिसिटी बिटवीन सीपी एंड द एरिन रिंग के बीच में, ठीक है। दिस ड्रामेटिकली लोअर द बैरियर फॉर द ईटा 5 टू ईटा 3 शिफ्ट दस ओपनिंग अप अ फ्री कोऑर्डिनेशन साइट एंड अलाउ इजियर लिगेंड एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये देखो आपका इंडेनाइल एरोमेटिसिटी कैसे आपका ये था, इसने क्या किया, ऐसा कर दिया कि यहाँ पे एरोमेटिक करेक्टर आने से ये सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है। तो दिस द रिएक्शन गिवन इन दिस सिम 9.4 विच प्रोसीड्स बाय एसोसिएटिव मैकेनिज्म इज 10^8 टाइम्स फास्टर, क्योंकि एरोमेटिक से वहाँ पे गेन हो रहा है, फॉर द रिएक्शन ऑफ एनालॉगस कॉम्प्लेक्सेस प्रोसीडिंग ओनली द सीपी, ठीक है। जैसे रोडियम का हो गया, रोडियम का यहाँ पे देखो एक यही लग गया एरोमेटिसिटी करेक्टर, वहाँ पे PPS3 आया, ठीक है, ऐसा हो गया, उसके बाद PPS3 ऐड हो गया आपका, फिर CO निकल जाएगा, फिर ये सब का बनता रहेगा, ठीक है। इंडेनाइल हेप्टिसिटी चेंज इन एसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अ रिएक्शन ऑफ ईटा 5 CP MnCO3 PPS3 व्हेन अटेम्प्ट फॉर 3 डेज इन डेका लाइन, क्या होता है, तीन दिन लगता है इसको रिएक्शन को, मतलब ये कॉम्प्लेक्स से अपना PPS3 डालेंगे तो 3 डेज लगेगा इन डेकलाइन डेकलाइन सॉल्वेंट में एट 140 डिग्री सेल्सियस, डिड नॉट प्रोसीड, नहीं प्रोसीड होगा, ठीक है। हाउएवर द एनालॉगस इंडेनाइल कॉम्प्लेक्सेस क्या, एंड ईटा 5 C9H7, ये क्या देखो ईटा 5 C5 नहीं हो रहा है बट ईटा 5 C9H7 क्या होगा, ये हो जाएगा अंडर आइडेंटिकल रिएक्शन कंडीशन इल एमेंस ईटा 5 C9H7 CO PPS3 ट्वाइस, ठीक है, वही इंडेनाइल लिगेंड इसको बोलते हैं C9H7 को, ठीक है, ईटा 5 C9H7। Extending this study to similar ligand indicated that the fluorinyl ligand accelerate the ligand substitution reaction by a factor of over 10^10.
ठीक है. Although the denial effect should theoretically generate better catalyst due to its ability to readily open a free coordination site on the metal, and it unfortunately also make the denial ligand considerably easier to displace from the metal. ठीक है. कंपेरिजन ऑफ साइक्लोपेंटाडाइन एंड रिलेटेड लिगेंड्स फॉर लिगेंड सब्स्टिट्यूशन. देखो आपका क्या है, ये सीपी स्टार है, सीपी स्टार मतलब माइनस वाला, यहाँ पे हो गया सीपी माइनस, ये हो गया सीपी माइनस, ये हो गया. ठीक है, एंडेनाइल लिगेंड आपका ये होता है, फ्लोरिनाइल लिगेंड आपका ये होता है. तो आपका रेट देख लो कितना फास्ट हो रहा है, सबसे ज्यादा फ्लोरिनाइल का होता है, फिर एंडेनाइल का होता है, फिर सीपी का, फिर सीपी स्टार का. ठीक है. नाउ हेप्टिसिटी चेंज इन द पेंटाडाइनाइल लिगेंड. ठीक है, पेंटाडाइनाइल लिगेंड, द पेंटाडाइनाइल लिगेंड इन इन एन असाइक्लिक वर्जन ऑफ सीपी स्टार सीपी माइनस दैट डज नॉट हैव एनी एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन. ठीक है, उनके पास तो ऐसा है नहीं कि ओपन चेन है तो स्टेबलाइजेशन तो होगा नहीं. दिस हैज टू इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स. फर्स्ट, नो एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन मीन्स दैट द पाई ऑर्बिटल्स आर हायर इन एनर्जी एंड आर देयरफॉर बेटर डोनेशन देन सीपी माइनस एंड द बैरियर फॉर ईटा फाइव टू ईटा थ्री आर ईटा वन कोऑर्डिनेशन इज ऑफ मच स्मॉलर एनर्जी. एंड क्या सेकेंड क्या है, पाई स्टार बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स are lower energy and are better pi acceptor than cp minus, limits the amount of pi backbonding that can occur. ठीक है, आपका ये हो गया रिएक्शन. hepticity change in the allyl ligand. ठीक है, hepticity change कैसे होता है allyl ligand में, the allyl anion has a similar facile ability to switch between eta 1 to eta 3 coordination modes that can promote ligands addition or substitution. ठीक है, सबका ईटा थ्री है, ईटा थ्री को ईटा वन में कैसे नहीं होगा, देखो ईटा, अभी देखो मेटल क्या था हमारा, तीन कार्बन से जुड़ा था. ठीक है, एक दो तीन, यहाँ पे क्या होगा ईटा वन, मतलब एक ही कार्बन से जुड़ा है मेटल, तो इसको ईटा वन बोलते. ठीक है, ये हमारा ईटा ईटा थ्री से ईटा वन हो गया, ऐसे ही एक लिगेंड हट जाएगा तो ईटा वन फिर ईटा थ्री होगा, ये से चलता रहता है. ठीक है, सिमिलरली द नाइट्रोसिल एनो कैन ऑल्सो शिफ्ट लीनियर एंड बेंड ज्योमेट्री टू अलाउ इनकमिंग लिगेंड टू बाइंड विद मेटल सेंटर. ठीक है, ये हो गया हमारा. नाउ डिसोसिएटिव सब्सटीट्यूशन क्या होता है, 9.3 है डिसोसिएटिव सब्सटीट्यूशन. डिसोसिएटिव सब्सटीट्यूशन इज अ कॉमनली प्रिफर्ड मैकेनिज्म ऑफ लिगेंड सब्सटीट्यूशन फॉर कोऑर्डिनेटली सैचुरेटेड 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस विच डू नॉट पजेस लिगेंड कैपेबल ऑफ इजी हेप्टिसिटी चेंज. क्या बोल रहे हैं आप, देखो एसोसिएटिव में तो आपका वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका हेप्टिसिटी चेंज हो रहा है. ठीक है, अब क्या हो रहा है, डिसोसिएटिव सब्सटीट्यूशन में क्या होता है, इज अ कॉमनली प्रिफर्ड मैकेनिज्म ऑफ द लिगेंड सब्सटीट्यूशन. ये लिगेंड सब्सटीट्यूशन का कॉमन मेथड है. ठीक है, मेनली डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होता है फॉर कोऑर्डिनेटली सैचुरेटेड 18 इलेक्ट्रॉन. पहले 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा. ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन फ्री करने के पहले उसको डिसोसिएट करेंगे तो 16 में बनेगा, फिर उसके बाद ऐड होगा लिगेंड. इसीलिए बोलते हैं ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ज्यादा प्रीफर होता है. ठीक है, विच डू नॉट पजेस लिगेंड कैपेबल ऑफ पीजी हेप्टिसिटी चेंज. 18 इलेक्ट्रॉन ऑक्टाहेड्रल मेटल कॉम्प्लेक्सेस इनवेरिएबली हैव ए डिसोसिएटिव सब्सटीट्यूशन पाथवे. वन ऑफ द एग्जिस्टिंग लिगेंड ऑन द मेटल फॉल्स ऑफ टू क्रिएट अ फ्री कोऑर्डिनेशन साइट टू विच द न्यू लिगेंड कैन कोऑर्डिनेट. डिसोसिएटिव सब्सटीट्यूशन रिएक्शन यूजली हैव अ पॉजिटिव एक्टिवेशन एंट्रोपी. जो डिसोसिएटिव सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होते हैं वो क्या हो, उनका पॉजिटिव, ये हमने पढ़ा है पॉजिटिव एक्टिवेशन एंट्रोपी होता है. एग्जाम्पल ऑफ बोथ रिटेंशन एज वेल इनवर्जन आर नोन फॉर डिसोसिएटिव सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. डिसोसिएशन ऑफ लिगेंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन स्टेरिक इफेक्ट. ठीक है, स्टेरिक इफेक्ट पर भी डिपेंड करता है. जैसे आपका ये हो गया MCO6 हो गया. ठीक है, पहले क्या करें, 18 इलेक्ट्रॉन है तो माइन एक हटेगा तो 16 बनेगा, उसके बाद फिर हमारा दूसरा लिगेंड अटैच होगा. ठीक है, ये हो गया. ऐसे हमारा NiCO4 का है, एक CO हटेगा तो NiCO3 बनेगा, PPr3 आपका वहाँ पे अटैच हो जाएगा. रेसिमाइजेशन ऑफ अ काइरल ऑर्गेनोटाइल कॉम्प्लेक्सेस ऑकर्स बाय डिसोसिएटिव मैकेनिज्म. इन द फॉलोइंग एग्जांपल द लॉस ऑफ फॉस्फाइन गिव्स अ ट्राई कोऑर्डिनेट फ्लक्सोनियल इंटरमीडिएट विच गिव राइज टू बोथ इनेंशियोमर अपॉन रीअटैचमेंट ऑफ द फॉस्फेन. ठीक है, ये आपका हो गया लिगेंड, ये हो गया. इसके बाद ONO ये सब था, PPS3 टूटेगा, फिर यहाँ पे ज्वाइन होगा. ठीक है, नाउ हमें पढ़ना है 9.4 दैट इज इंटरचेंज मैकेनिज्म. इंटरचेंज मैकेनिज्म क्या होता है, डिसोसिएटिव एंड एसोसिएटिव इंटरचेंज मैकेनिज्म आर ऑब्जर्व इन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस बट नॉट वेरी फ्रीक्वेंट. ठीक है, क्या होता है, डिसोसिएटिव एंड एसोसिएटिव इंटरचेंज मैकेनिज्म आर ऑब्जर्व इन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बट नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली. ठीक है, दोनों मतलब डिसोसिएट एसोसिएट दोनों ऐसा फ्रीक्वेंटली नहीं ऑब्जर्व होता है. इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द फॉर्मेशन ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन इंटरमीडिएट इन ए रिएक्शन इज अनलाइकली बट अ 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्टेट सीम्स पॉसिबल. ठीक है, अनलाइक एन इंटरमीडिएट विच इज डिस्क्राइब एज ए स्पेसिस विच हैव टू सर्वाइव एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी ऑफ एंड ब्रीफली अ ट्रांजिशन स्टेट
हैज मच शॉर्टर लाइफ टाइम विच इज कम्पेरेबल टू दैट ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, सच ट्रांजिशन स्टेट्स आर कॉमन इन इंटरचेंज मैकेनिज्म। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो जिसका ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही अनस्टेबल होता है, मतलब बहुत कम समय के लेटेंट के परफॉर्मेंस 30 सेकेंड तक, मतलब उसका बहुत कम रहता है, तो वो इंटरचेंज मैकेनिज्म जाते हैं। ठीक है, लिटल काइनेटिक स्टडीज एंड केयरफुल डिटरमिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एंट्रोपीज आर रिक्वायर्ड टू डिफरेंशिएट। इनका एंट्रोपी क्या होता है, सिमिलर टू जीरो होता है। ठीक है, टू डिफरेंशिएट बिटवीन आई ए आई डी एंड ये। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था एंट्रोपी से ही कैसे हम डिफरेंशिएट कर लेंगे कि अगर डेल्टा एस हमारा निगेटिव होगा तो एसोसिएटिव हो जाएगा, डेल्टा एस हमारा पॉजिटिव रहेगा तो डिसोसिएटिव हो जाएगा, और डेल्टा एस सिमिलर टू जीरो रहेगा मतलब इक्वल टू है ऐसा रहेगा तो हमारा इस ये इंटरचेंज मैकेनिज्म हो जाएगा। ठीक है, ऑफन स्लाइट वेरिएशन इन द स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ लिगेंड ऑन अ मेटल कॉम्प्लेक्स रिजल्ट्स इन अ चेंज ऑफ डिसोसिएटिव आर एसोसिएटिव मैकेनिज्म टू अ इंटरचेंज मैकेनिज्म। ठीक है, नाउ एसोसिएटिव पहला के 9.1 एसोसिएटिव इंटरचेंज। एसोसिएटिव इंटरचेंज क्या होता है, इन द टेंटलम कॉम्प्लेक्स व्हेन द डीएमई लिगेंड इज रिप्लेस्ड विद टू पिरिडिन। मतलब डीएमई लिगेंड क्या होगा, रिप्लेस करेगा टू पिरिडिन से, एंड द मैकेनिज्म चेंज फ्रॉम डिसोसिएटिव टू एसोसिएटिव इंटरचेंजेस। ठीक है, आपका ये रिएक्शन हो गया पीएच वाला। ठीक है, देखो टेंटलम का हो गया, पहले यहाँ पे पीएच ये आएगा ऐड होगा, फिर उसके बाद ये एसआई में 3 वाला निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा ही अब क्या है 9.4.2 है, 9.4.2 इज डिसोसिएटिव इंटरचेंज। डिसोसिएटिव क्या होता है, इन द 17 इलेक्ट्रॉन वैनेडियम कॉम्प्लेक्सेस सोन इन द स्कीम 9.7 चेंजिंग द साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड टू पेंटाडाइनाइल लिगेंड रिजल्ट्स इन अ चेंज फ्रॉम द एसोसिएटिव ए टू डिसोसिएटिव इंटरचेंज आईडी मैकेनिज्म एज इंडिकेटेड बाय द एक्टिवेशन एंट्रोपी वैल्यू। ठीक है, नाउ 9.5 है स्टीरियोकेमिकली नॉन रिजिडिटी इन ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ऑल द मोस्ट मॉलिक्यूल्स हैव सिंगल वेल डिफाइंड न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन एंड कैन बी कंसिडर एज अ रिजिड। ठीक है, मतलब सभी मॉलिक्यूल रिजिड जैसा कंसिडर किया जाता है, एंड देयर एटम एक्सपीरियंस हार्मोनिक वाइब्रेशन अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजिशन। और जिनके मॉलिक्यूल मतलब जो एटम्स रहते हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, इन मेनी केसेस मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन आर इंटर मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कैरी अ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन टू अनदर। अभी कभी कभी क्या होता है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से एक एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, द मॉलिक्यूल इज डिजाइनेटेड एज स्टीरियोकेमिकली नॉन रिजिड। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, स्टीरियोकेमिकली नॉन रिजिड सच प्रोसेस ऑकर। उनको मॉलिक्यूल क्या बोलेंगे, स्टीरियोकेमिकली नॉन रिजिड और सच प्रोसेस एट अ रेट दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय फिजिकल आर केमिकल मेथड। उनका रेट हम लोग फाइंड आउट करते हैं फिजिकल और केमिकल मेथड से। व्हेन टू आर मोर कॉन्फ़िगरेशन आर केमिकली नॉन इक्विवेलेंट द प्रोसेस ऑफ इंटर कन्वर्जन इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन और टाटोमराइजेशन। वही इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाटोमराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, हाउएवर व्हेन सच कॉन्फ़िगरेशन आर इक्विवेलेंट देन दिस टाइप ऑफ स्टीरियोकेमिकल नॉन रिजिड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रिफर्ड इज अ फ्लक्सोनियल। उनको क्या बोलेंगे, मतलब जब उनका कॉन्फ़िगरेशन इक्विवेलेंट रहेगा तो उनका क्या बोलेंगे, फ्लक्सोनियल, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्लक्सोनियलिटी। ठीक है, NMR spectroscopy most often reveals the occurrence of stereochemical non-rigidity. Therefore, many a time the term fluxionality is used for all the molecules that undergo intramolecular rearrangement rapidly through the influence NMR line shape. ठीक है, at a temperature within the practical range of an experiment. Why only NMR? Because the activation energy of these processes fall in the range of kisma 25 to 100 kilojoule per mole. Therefore, the rate of rearrangement can be brought to the NMR time scale. ठीक है, by varying the temperature between 150 degree to minus 150 degree Celsius. The process of fluxionality becomes slower at low temperature and faster at high temperature. ठीक है, ये आपका हो गया, जैसे रिएक्शन हो गया एसोसिएटिव का, आके लिगेंड ऐड हुआ, फिर वहाँ पे एक डिसोसिएट, फिर डिसोसिएट हो जाता है। ऐसे एसोसिएटिव डिसोसिएट, मतलब इसको बोलेंगे एसोसिएटिव, फिर यहाँ पे देखो डिसोसिएट होगा पहले, उसके बाद फिर ये होगा। ठीक है, अ कॉमन टाइप ऑफ फ्लक्सोनल बिहेवियर इन द इन्वर्जन ऑफ पिरामिडल मॉलिक्यूल्स इन द केस ऑफ NH3 एंड सिंपल नॉन साइक्लिक अमाइन द एक्टिवेशन एनर्जी विच आर इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द पिरामिडल ग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन एंड अ प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट आर क्वाइट लो। क्वाइट लो होता है एंड द रेट ऑफ इन्वर्जन इज वेरी हाई। इन्वर्जन बहुत हाई होता है। ठीक है, फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस टेंड टू बी रिजिड बट फ्लक्सोनल बिहेवियर बेस्ड ऑन द प्लेनर टेट्राहेड्रल इन्वर्जन इंटर कन्वर्जन इज ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस इन द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर Ni2 कॉम्प्लेक्सेस वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप Ni-Pr2, Pr3 ट्वाइस X2 हैव बीन शोन टू अंडरगो स्क्वायर प्लेनर टू टेट्राहेड्रल रीअरेंजमेंट विद द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अबाउट 45 किलोजूल पर मोल एट अ रेट ऑफ 10 के पावर 5 पर सेकेंड एट रूम टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है,
फ्लेक्सुअलिटी इज वेरी कॉमन इन फाइव कोऑर्डिनेट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फ्लेक्सुअलिटी कहाँ पे कॉमन होता है? फाइव कोऑर्डिनेट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में ऑफ द टाइप ऑफ AB5 व्हेन ऑल द लिगेंड, मतलब उसमें क्या होता है, एक्सियल इक्विटोरियल होता है, वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, एक्सियल से इक्विटोरियल, इक्विटोरियल से एक्सियल TBP में, ठीक है। लिगेंड अपेंड ऑन द सेंट्रल मेटा आर आइडेंटिकल विद द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल बिंग D3H। इन TBP द टू एपिकल ग्रुप्स आर इक्विवेलेंट बट द थ्री दीज आर डिफरेंट फ्रॉम थ्री इक्विवेलेंट इक्विटोरियल ग्रुप, मतलब एक्सियल इक्विटोरियल का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, दैट आर इक्विवेलेंट अमॉन्ग देमसेल्फ। देयरफॉर द NMR स्पेक्ट्रम शुड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ टू सेट्स ऑफ सिग्नल्स इन द इंटेंसिटी रेशियो 2:3। हाउएवर इन मेनी केसेस सच एज C13 स्पेक्ट्रम ऑफ FeCO5 एंड F19 स्पेक्ट्रम ऑफ PF5, ऑल द फाइव बी ग्रुप्स अपीयर टू बी इक्विवेलेंट एज इंडिकेटेड बाई सिंगल रेजोनेंस इवन एट लो टेम्परेचर, ऑल्दो द TBP स्ट्रक्चर इज कन्फर्म बाई द अदर स्टडीज लाइक डायफ्रेक्शन एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। द फिनोमिना TBP, पहले क्या होगा, TBP से स्क्वायर पिरामिडल, फिर उसके उससे बाद फिर से TBP, ये सब इंटरकन्वर्ट होते रहते, ठीक है। इंटर कन्वर्जन हैज बीन एक्सप्लेन बाई बेरी स्यूडो रोटेशन आर टर्नस्टाइल रोटेशन, ठीक है। NMR कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिस टू प्रोसेस बट थियोरेटिकली स्टडीज ऑफ PF5 आर रिलेटेड स्पेसिस फेवर बैरी रोटेशन, ठीक है। NMR तो हमें डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि एक्सियल इक्विटोरियल, ठीक है। नाउ रिंग विजिंग ETA1CP कॉम्प्लेक्सेस, देयर इज सेकंड टाइप ऑफ फ्लेक्सुअलिटी दैट टेक्स प्लेस इरेस्पेक्टिव ऑफ द कोऑर्डिनेशन, वेट हमने कुछ, हाँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। दिस इज ऑब्जर्व व्हेन द टू आर मोर लिगेंड ऑफ द सेम इंट्रिंसिक इंटेंसिटी आइडेंटिटी आर नॉट बाउंड टू मेटल एटम इन द सेम वे। टू ऑर्गेनो लिगेंड ऑफ द सेम काइंड में बी बाउंड इन डिफरेंट वेज, ठीक है, वन हैविंग हायर हेप्टिसिटी देन द अदर, ETA1CP, ETA5CP, FeCO2 वाज द फर्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड फॉर विच द फिनोमिना वॉज स्टडी। द टू CP रिंग डिस्प्ले डिफरेंट बॉन्डिंग मोड्स एंड द एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज एज फॉलोज, ठीक है। द IR डेटा सपोर्ट दिस स्ट्रक्चर, वही बोल रहे हैं। The expected 1H NMR spectrum at ambient temperature should also show singlet for ETA5CP in the range of 3.0 to 5.0 ppm. ठीक है, A-BB- multiplied for the olefin proton with relatively intensity of 4 in the range of 6.0 to 6.2 ppm and a singlet of relative intensity 1. ठीक है, वही बता रहा है, NMR का पूरा डेटा बता रहा है। All the three separate resonance और ऑब्जर्व इन द लो टेम्परेचर NMR -18°C, बट सरप्राइजिंगली द एक्चुअल स्पेक्ट्रम एंड एट एम्बिडेंट टेम्परेचर कंसिस्ट ऑफ टू सिंगलेट ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल इंटेंसिटी। द स्पेक्ट्रा हैव बीन एक्सप्लेन इन वॉकिंग फ्लेक्सुअलिटी एंड इट वॉज प्रपोज दैट द आयरन एटम माइग्रेट्स अराउंड ETA1CP एट अ रेट सफिशियंट इनफ टू एवरेज आउट ऑल द प्रोटॉन रेजोनेंस इन द ETA1CP। सर साइक्लोपेंटाडाइन एंड रिंग्स हैव बीन टर्म्ड एज रिंग फीचर्स, ठीक है। The solution NMR of this compound recorded between -80 to 30°C give more information, ठीक है। ये हमारा टेम्परेचर बता रहा है, वेरिएबल टेम्परेचर 1H NMR, ये सब टेम्परेचर बने होते, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि पहला क्या बता रहा है, एट लो टेम्परेचर आप -80°C टिपिकल A-BB- मल्टीप्लेट स्पेक्ट्रम होगा फॉर 4 प्रोटॉन ETA1CP वॉज ऑब्जर्व, ठीक है। एज द टेम्परेचर, जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे द लाइन कोलैप्स हो जाएगा, एक सिंगलेट बन जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या, द डाउनफील्ड पार्ट ऑफ द मल्टीप्लेट सेंटर्ड एट 6.2 ब्रॉडन फास्टर देन द अदर एज द टेम्परेचर वॉज इंक्रीज। थर्ड क्या है, हाउएवर द सिंगलेट ड्यू टू द ETA5CP डिड नॉट चेंज ड्यूरिंग द टेम्परेचर चेंज, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन ऑल प्रोसेस दैट कॉज रैंडम एक्सचेंज दैट इज डिसोसिएशन एंड रिकम्बिनेशन वेयर डिस्काउंटेड एंड वेयर नॉट कंसिडर्ड। टू पॉसिबल रीअरेंजमेंट नेमली 1:2, 1:3 शिफ्ट were considered to explain the experimental data, ठीक है, यही सब बता रहे हैं यहाँ पे। बी मंथ्री मिथाइल शिफ्ट, ये सब, ठीक है। एक्सपेक्टेड चेंज टू ऑलिफिन प्रोटॉन ड्यूरिंग 1:2 and 1:3 शिफ्ट, ठीक है। दिस मीन्स दैट इरेस्पेक्टिव ऑफ द मैकेनिज्म 1:2 or 1:3 ओनली हाफ ऑफ द ओलिफिनिक प्रोटॉन्स हैव हायर resistance than the other half in each case. Therefore, the precise mechanism cannot be easily arrived. The following example using a related complex having an endenyl ligand has provided strong evidence for the mechanism. The two hypothetical possibilities are shown below. ठीक है, ये बता रहे हैं हमारा।
Now, two line arguments were used to rationalize the exact mechanism. First, the interline system could rearrange quite rapidly if the direct 1-3 shift occurs, possibly why eta 3 align intermediate at a transition state. ठीक है, और क्या बोला, a direct 1-2 shifts would be suppressed in the interline systems as the molecule will have to go via high energy orthoxylene intermediates. Therefore, if the molecule show flux inequality, it would mean that 1-3 process is the preferred pathway while its absence would indicate 1-2 shift. ठीक है, मतलब fluxionality हुआ तो 1-3 prefer करेगा. Using spectral studies, the molecule was found to be non-fluxional in nature. ठीक है, based on this data and coupled the information or on many other example, the 1-2 shift is generally accepted. 1-2 shift क्या होगा, generally accept होगा pathway for the fluxionality in eta 1 C5 H5. ठीक है, 1-2 shift and relative eta 1 5 5 member ring for homologous eta 1 C7 H7 both 1-2 and 1-3 shift are observed depending upon M and associative ligand. ठीक है, वही बता रहा है, जब हमारा eta 1 C5 होगा तो 1-2 shift को हम ज्यादा प्रेफर करेंगे. Now 9.5.2 interchange of eta 1 and eta 5 CP ring. There are two compounds, there are compounds in which CP ligands exchange their modes of bonding and interchange between eta 1 and eta 5 CP ring has been observed. ठीक है, मतलब eta 1 से हमारा क्या होगा, चेंज होगा eta 5 में. ठीक है, द क्लासिकल एग्जांपल जैसे हमारा ये देखो, यहाँ पे हमारा eta 5. ठीक है, ये हमारा देखो, ये मेटल साथ क्या जुड़ा है, eta 1 जुड़ा है. ठीक है, eta 1 है अभी, तो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो ये eta 5 में कन्वर्ट होगा, eta 5 में. ठीक है, वही बोल रहा है, द 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ दिस कंपाउंड शो टू शार्प सिंगलेट ऑफ डेल्टा 5.9 एंड 5.2 एट -27 डिग्री सेल्सियस, ईच पीक ब्रॉडेंस at 26 degrees Celsius and one sub singlet is observed at 62 degrees Celsius. This means that at -27 mein kya hoga, eta 1 CP undergo ring whistling due to which all the protons become equivalent and a singlet is observed. Theek hai, eta 5 CP gives a singlet anyway, eta 5, therefore the spectrum is justified. However, singlet at higher temperature 62 degrees Celsius kya hoga, means that eta 1 and eta 5 CP rings are also exchanging position fast. The corresponding MO complexes eta 1 CP2, eta 5 CP2 more, however, does not show any such exchange between this type, two type of CP ring. ठीक है, this type of CP ring. यहाँ पे theoretically calculation have been used to study the mechanism of all fluxional process of the CP ligand in molybdenum bis imido complexes. MO eta 5 यही हो गया कि ये हो गया. ठीक है, द मैकेनिज्म ऑब्टेन फॉर मेटेलोट्रोपिक माइग्रेशन अलॉन्ग द रिंग कार्बन ऑफ ईटा 1 C5 CP करस्पॉन्डिंग टू 1-2 माइग्रेशन विच वॉज इन एग्रीमेंट विथ एक्सपेरिमेंटल NMR स्टडीज. ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि ईटा 1 C5 H5 1-2 माइग्रेशन 1-2 शिफ्ट होता है. ठीक है, 1-2 माइग्रेशन, द मैकेनिज्म फॉर इंटरचेंज बिटवीन टू CP लिगेंड ईटा 1 CP एंड ईटा 5 CP करस्पॉन्ड टू अ सिंगलेट स्टेप पाथ and the calculated activation energy matched the experimental value. No eta 3 CP interval could be found in any processes. ठीक है, now 9.5.3 है allyl complexes. हम लोग क्या पढ़ेंगे allyl complex के बारे में. Many eta 3 allyl complexes are fluxional at room temperature. ठीक है, many eta 3 जो allyl होते हैं और fluxionality दिखाते हैं room temperature पे, slightly above. ठीक है, and this property has been extensively studied by 1H NMR spectroscopy. ठीक है, और this complexes have a characteristics NMR spectrum. The antiproton are closer to the metal. क्या होता है, मतलब NMR से हम लोग इसको स्टडी करते हैं, द antiproton are closer to metal. जो antiproton होते हैं मेटल से क्लोजर होते हैं, are shielded and appear a high field in comparison to the same protons. A typical range is anti-1-2-3 thin 2-5 and the proton at the middle is 4-6.5 delta. ठीक है, since the molecule is rigid, each of the three types of proton produce a distinct chemical shape depending upon its environment. The syn and anti proton do not couple with each other, but these two couple with the proton on the central carbon and thus appear as doublets, and the proton on the central carbon appears as a multiplet. ठीक है, upon warming the spectrum changes, the two doublets collapse into one and the multiplet changes to a quintet. This indicates that on a time average there are only two types of proton, four terminal and one non-terminal hydrogen. ठीक है,
However, rapid interconversion occurs at the and the distinction between the seen and empty proton is lost. ठीक है, the process involves a pi sigma pi transformation, that is dissociation of a bond to a terminus to give eta to give a sigma allyl eta 1 complexes followed by rotation around the MC bond. ठीक है, followed by collapse to the eta 3 allyl complexes. During the transformation eta 3 to eta 1, a vacant coordination site on the metal is generated. वही मैकेनिज्म के बारे में बता रहे कैसे होता है. ठीक है, वही बता रहे ट्रिपलेट कैसे कैसे स्पेक्ट्रम का काम हो रहा है. ठीक है, नाउ 9.54 एलीन कॉम्प्लेक्सेस एंड इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ एलीन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज इट्स स्ट्रक्चरल डायनामिक्स. ठीक है, एलीन मतलब क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी फिर सी डबल वन सी है, इसको बोलते हैं एलाइन कॉम्प्लेक्स. ठीक है, वही बता रहा है. एंड इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ एलिन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज इट्स स्ट्रक्चरल डायनामिक्स. दिस थ्री सिग्नल्स आर ऑब्जर्व इन द वन एच एन एम आर स्पेक्ट्रम. यहाँ पे क्या होते हैं, थ्री सिग्नल्स ऑब्जर्व किए जाते हैं. द लोवेस्ट डेल्टा वैल्यू इज सीन फ्रॉम ए एंड बी प्रोटोन. तो ए और बी प्रोटोन है उनका लोवेस्ट रहता है, वाइल द हाइएस्ट डेल्टा वैल्यू फॉर द सी प्रोटोन. जो हाइएस्ट किसका रहता है, सी का रहता है. ठीक है, द कपलिंग कॉन्स्टेंट एच एच बी is smaller for the coordinated allene that form the free allene. ठीक है, if the symmetry is lower for four signals may be observed. ठीक है, some allenes complexes show dynamic property. For example, tetramethyl allene iron tetracarbonyl complexes show flexural behavior. ठीक है, the 1H NMR spectrum at 203 Kelvin in CS should exhibit three signals. That is इतना. ठीक है, in the ratio of 1:1:2 representing the three cis and three trans hydrogen atoms and six hydrogen in a plane perpendicular to the free Fe carbon atom. ठीक है, bond at room temperature the spectrum collapse to a single resonance. Room temperature collapse हो जाते हैं और हमारा क्या मिलता है, 1.84 मिलता है डेल्टा. For the average environment of 12 hydrogen, the iron atom presumably migrates around the allene pi system during this process as shown in figure. ठीक है, now a similar observation is made in ITNA. The 1H NMR spectrum shows that four methyl groups become equivalent with increasing temperature, which suggests rotation about the Fe allene axis and migration of the CpCO2 Fe migrate between the fourth orthogonal alkene. ठीक है, 9.5 क्या है, scrambling of carbonyl group in metal carbonyl. ठीक है, stereochemical non rigidity of metal carbonyl has basically two form. क्या है, फर्स्ट द इंटरकन्वर्जन ऑफ परम्यूटेशनल आइसोमर्स एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन अ मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस. द दिस प्रिज्यूमली इन्वॉल्व्स पॉलीटोपल रीअरेंजमेंट, अ टर्म कॉइन्ड बाय म्यूटरीज. द मोस्ट सेलिब्रेटेड एग्जाम्पल अंडर दिस कैटेगरी इज FeCO5. द इंटरकन्वर्जन ऑफ TBP SPY TBP स्ट्रक्चर, मतलब क्या हो रहा है, फ्लेक्सुलेटिंग मतलब कन्वर्ट होता रहता है. ठीक है, लीडिंग टू द इक्विवेलेंस ऑफ ऑल फाइव कार्बन. हमारा इक्विवेलेंस दिखा देता है, मतलब कोई चेंज दिखाता नहीं. इन द C13 NMR स्पेक्ट्रम वाज एक्सप्लेन बाय बेरी स्यूडो रोटेशन. अनफॉर्चुनेट इवन कूलिंग अपॉन -120 डिग्री सेल्सियस वो नॉट सफिशियंट टू ऑब्जर्व दिस फिनोमेना. मतलब 120 डिग्री सेल्सियस -120 डिग्री सेल्सियस में भी यही हमारा फिनोमेना दिखता है. ठीक है, ना तो हमें डिफरेंस मिलता ही नहीं कुछ वहाँ पे, मतलब है. एंड सेकेंड क्या हमारा, इंटर कन्वर्जन ऑफ ब्रिजिंग एंड टर्मिनल अरेंजमेंट एंड द माइग्रेशन एंड स्क्रैम्बलिंग ऑफ सीओ ग्रुप इन बायोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस. दिस अराइज बिकॉज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम M2CO2 डज नॉट वेरी ग्रेट डील. ठीक है, ओवर एन इंटायर रेंज ऑफ कॉन्फिगरेशन फ्रॉम दैट इन विच देयर इज वन टर्मिनल सीओ ऑन ईच M2 दैट इन विच बोथ द सीओ आर सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ब्रिज. ठीक है, वही पोटेंशियल डायग्राम बता रहा है. The above process is best exemplified CP2 which exists 1:1 mixture of trans isomerism. ठीक है, वही बोला, two signal aspect expected since the cis and trans CP ring should appear of different chemical shift one in the 1H NMR. ठीक है, this is observed -70 degree Celsius. However, only one signal appeared at room temperature. Clearly, between -70 degree Celsius and room temperature, a rapid interconversion of the cis and trans isomers. ठीक है, the C13 NMR spectrum further shows that cis and trans interconversion is also accompanied by the exchange of the bridging and terminal carbonyl group. The overall process occurs this way.
द सी ओ ब्रिजिंग ब्रिजेज ओपन इन अ कंसर्टेड वे टू गिव द इतना इंटरव्यू द रोटेशन अराउंड द एफई एफई बॉन्ड फॉलोड बाई, ठीक है। नाउ रिक्लोजिंग ऑफ द ब्रिज ब्रिजेज में गिव आइदर द सिस आर ट्रांसफॉर्मर्स रिगार्डलेस ऑफ विच वॉज प्रेजेंट बिफोर द ब्रिज ब्रिज ओपनिंग एट द सेम टाइम द सी ओ ग्रुप दैट ब्रिज मे नॉट बी द सेम एज दो दैट ब्रिज अर्लियर, ठीक है, वही सब बता रहे हैं। द ब्रिज हेंस ब्रिज टर्मिनल कार्बन एक्सचेंज टेक्स प्लेस। अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रैम्बलिंग इन्वॉल्विंग टर्मिनल मतलब एज ब्रिजिंग एंड फेस ब्रिजिंग सीओ ग्रुप हैज बीन ऑब्जर्व इन वन ऑफ द आइसोमर ऑफ द ट्राई न्यूक्लियर क्लस्टर कंपाउंड, ठीक है, द क्लस्टर एग्जिस्ट एज आइसोमर इतना। सिंस रेडियम हैज हाफ 1/2 स्पिन होता है C13 NMR स्पेक्ट्रम ऑफ आइसोमर बी शुड सो थ्री टाइप्स ऑफ कार्बन वन टर्मिनल एंड टू ब्रिजिंग द टू ब्रिजिंग कार्बन इन बी आर नॉट इक्वेलेंट वन टू सिस, वही बता रहे ए वन इज सिस टू ओ सी पी एंड अदर इज सिस टू टर्मिनल सी ओ हेंस द टर्मिनल सी ओ शुड अपियर अ डबलेट एंड अ ब्रिजिंग सी ओ अपियर एट एज टू डिफरेंट ट्रिपलेट्स। इन कंट्रास्ट टू दिस प्रेडिक्शन द C13 NMR स्पेक्ट्रम ऑफ बी शो क्वाड्रेट एट रूम टेम्परेचर फॉर द सी ओ ग्रुप इट डज नॉट शो द प्रेडिक्टेड एन एम आर इवन एट लो टेम्परेचर बट एट -120°C शोज टू क्वाड्स इन द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ 1:2। हाउ कैन दिस एक्सप्लेन फॉर बी स्क्रैम्बलिंग ऑफ द टर्मिनल एंड ब्रिजिंग सी ओ ग्रुप ओवर द थ्री रोडियम कैन बी इन गेस्ट हाउ हाउएवर वन सी ओ ऑफ बी इज यूनिक सिंस इट इज ऑलवेज ऑन द टॉप फेस ऑफ द रोडियम आर एस थ्री प्लेन वॉइल द अदर टू आर ऑन द बॉटम फेस ऑफ द सेम प्लेन, ठीक है। एस एट -120°C द स्क्रैम्बलिंग ऑफ सी ओ ग्रुप इज रिस्ट्रिक्टेड टू देयर रिस्पेक्टिव फेसेस Since crossing from one phase to other is not facile at this temperature, the C13 NMR spectrum corresponding to the CO is the fractional molecule should comprise two sets of quadrates in the ratio of 1:2. At room temperature, the barrier for crossing over from one phase to other is also overcome possibly by following a scramble as depicted in the scheme for shown overlap, okay? Resulting in a singlet quadrate. वही से बता रहे हैं कॉम्बिनेशन इतना अ कॉम्बिनेशन ऑफ एच फेस एंड टर्मिनल एज कार्बोनिल मोशन इंटर कन्वर्ट बी विद द इंटर एक्स एंड वाई विदाउट ट्रेमेसिंग एज एन इंटरमीडिएट विद द ऑल कार्बोनिल टर्मिनल, ठीक है। इंटर कन्वर्जन बिटवीन एक्स एंड वाई ऑल्सो प्रोवाइड फॉर फेस टू फेस स्क्रैम्बलिंग फैसिलिटेट बाई ब्रिजिंग कार्बोनिल सी फ्लिपिंग फ्रॉम एन अपर एज पोजिशन टू अ लोअर एज पोजिशन फर्दर सपोर्ट टू दिस फेस ब्रिजिंग इंटरमीडिएट कम्स फ्रॉम द रिपोर्टेड क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एन एनालॉगस कोबाल्ट क्लस्टर विच इंटरेस्टिंगली शो द प्रेजेंस ऑफ वन फेस ब्रिज कार्बोनिल ग्रुप, ये ठीक है। मेन बात हम लोग को मतलब जो जो इंपॉर्टेंट बात है हमने इस चैप्टर में समझा, ठीक है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक थे मतलब जो NMR के थे वो सब के थे वो हमें पता रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। बट ये बुक्स ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमें बहुत कुछ मिलने को जानने को पता है डेल्टा एस हमारा क्या होता है, एसोसिएटिव कब होगा, डिसोसिएटिव कब होगा, इंटरचेंज कब होगा, ठीक है। हमने बहुत कुछ इस चैप्टर के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियोज अच्छा लग रहा है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपको इस चैप्टर से कुछ भी जानने को सुखा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहे, अपने हेल्थ पे ध्यान देते रहिए। थैंक यू सो मच।